खुदाए करबला को सलाम। चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आज़ादारों की नुहा खानी, मातमदारी, मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह दहली गेट से बरामद होकर रवायती रास्तों पर रवा दवा। जुलूस मोची गेट, कश्मीरी बाजार और रंग महल से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। करबला में अपनी जानों का नजराना देने वालों को खिराज अकीदत पेश। चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। जुलूस की जानिब आने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया। सीसीटीवी कैमरों से जुलूस की निगरानी, फजाई निगरानी भी होगी। सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का तीसरा और आखिरी रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों और जायरीन की जोक दर जो अकामत, फातह खानी और चादर पोशी, सुबह शाम जिक्र अस्कार, नात शरीफ और दरूद सलाम की सदाओं से फजा मुअत्तल। मुअत्तल हो गई जायरीन के लिए लंगर का खुसूसी इंतजाम, दूध की सबीलों का रश। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर आएंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब मुलाकात करेंगे। ब्यूरोक्रेसी में तबादलों समेत दीगर अमूर पर मुशावरत होगी। रमजान शुगर मिल्स केस में हुकूमती खजाने से अदायगियों का मामला। नैब लाहौर ने रमजान शुगर मिल्स के डायरेक्टर्स सलमान शहबाज और हमजा शहबाज को आज तलब कर लिया। हमजा शहबाज इस्लामाबाद में आज होने वाले पार्टी इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान हमजा शहबाज। म्यू अस्पताल में मरीज के लवाहकीन की जानिब से डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला। थाना ग्वालमंडी में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सिक्योरिटी गार्ड मुअत्तल। एक रोज गुजरने के बावजूद पुलिस ने मुलजिम नहीं पकड़े, यंग डॉक्टर्स। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की चिल्ड्रन अस्पताल आमद। सूबाई वजीर सेहत बोन मैरो के कामयाब ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात का मेला सजने को तैयार। पोलिंग कल होगी। सदारती नशिस्त पर प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट ग्रुप आमने सामने। अमानुल्लाह कजानी और अली अहमद कुर्द में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में होगी। एयरपोर्ट ट्रैफिक कस्टम की बड़ी कार्रवाई। दुबई से लाहौर आने वाले जोड़े की सामान से 8.5 किलो सोना बरामद। मुसाफिर मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया।